चैनल फ्लेवर ऑफ शाह। आज मैं आपके साथ मैगी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरह बरसात के मौसम में हम गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लेते हैं, उसी तरह जो है चटपटी और गर्मा गर्म मैगी खाने का भी अपना ही एक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैगी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल डाल देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1 बड़ी साइज की प्याज ली है, जिसे से बारीक तक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अपनी फ्लेम को मीडियम लो कर जो है हम अपनी प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्याज आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है, हमें दूध चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1 बड़ी साइज की टमाटर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1 हरी मिर्च ली है, जिसे से बारीक सा काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1/2 कप फ्रोजन ग्रीन पीस लिए हैं, हरा मटर, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अपनी फ्लेम को मीडियम लो कर ढककर 1 से 2 मिनट तक हमारे टमाटरों को अच्छी तरीके से हम गला लेते हैं। हमारे टमाटरों को चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें जो है कुछ मसाला पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ली है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने मैगी के 2 छोटे पैकेट लिए हैं, इस तरीके के इसके 2 मसाला पैकेट्स हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमने 2 मैगी के पैकेट लिए हैं, उस हिसाब से हम 2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर अपने पानी को अच्छी तरीके से बॉईल होने दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब जो है हम इसमें हमारी मैगी डालने के लिए, तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, बढ़िया फ्लेवर के लिए, बहुत ही बढ़िया से मैगी का फ्लेवर आता है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब ढककर जो है मीडियम लो फ्लेम कर 2 से 3 मिनट तक हम अपनी मैगी मसाला को पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम देख लेते हैं हमारी मैगी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पानी पूरी तरीके से सूख चुका है।
की बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पर मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम हमारी फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से हरा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर जो है हमारी चटपटी गर्मा गर्म मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मजेदार हमारी चटपटी मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आप इस तरीके से मैगी बनाकर बारिश का मजा जरूर लीजिए। उम्मीद है आपको भी मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।